दिन आगामी 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है और कलश जैसा कि अयोध्या से यहाँ आया है, कम से कम 500 लोगों को आमंत्रित किया गया। अयोध्या के बाद हमको सबको एक साथ लेके जाएंगे। जय जय श्री राम। टैगोर नगर साई उत्सव समिति द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और अभी हम आप देख रहे हैं कि साईनाथ नगर क्षेत्र में खड़े हैं और यहां पर एक भव्य शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो बकायदा भगवा साड़ी पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है और उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी तरह से खूबसूरत यहाँ पर झांकी भी यहाँ पर निकाली गई है और इसके जरिए जो साई उत्सव समिति के जो लोग हैं और टाइगर नगर के लोग, साईनाथ नगर के लोग हैं, वो यहाँ के लोगों को अयोध्या के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा अच्छा चावल देकर आमंत्रित किया जा रहा है तो एक बड़ा उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है और उत्साह आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं और यहाँ पर नारे लगते जा रहे हैं और उत्साह नजर आ रहा है और बैंड बाजों के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दृश्य एकदम राममय दृश्य हो रहा है। चाहे आप देख रहे हैं बच्चों को देख ले, महिलाओं को देख रहे हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत झांकी यहाँ पर बनाई गई है। आप हनुमान जी को भी देख रहे हैं, राम भगवान को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी है, सीता जी है और वो जो वनवास का जो सीन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है तो लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे पास समिति के लोग यहाँ पर मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये बताइए, आप बताइए कि ये जो है आयोजन किस लिए हो रहा है, क्या आयोजन हो रहा है? ये आयोजन आगामी 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है उसी के तारतम्य में ये कॉलोनी, ये क्षेत्र को हम एक आमंत्रण देने के लिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र में हमने घूमा और भगवान राम को इस स्थापना के लिए सभी को आमंत्रित किया और कलश जैसा कि अयोध्या से यहाँ आया है और ये वापस और उसमें से अक्षत लेकर हम घर घर जाकर निमंत्रण भी दे रहे हैं। चलो, हमारे साथ कॉलोनी की महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे ये किस तरह का आयोजन हो रहा है और कितने लोगों को आप तक आमंत्रित कर चुके जी? कितने लोगों को आमंत्रित कर चुके कम से कम 500 लोगों को आमंत्रित किया गया। ये कहाँ से निकली यात्रा है, कितने लोग हैं और आप लोग देख रहे हैं कि विशेष रूप से इसके लिए तैयार भी हुए, सज धज के भी आए? जी, हम लोगों को बहुत उत्साह है इसलिए हम लोग पूरा 16 सिंगार करके निकलेंगे। क्या आप लोग भी अयोध्या जाने वाले हैं क्या? बिल्कुल, हमको ऑलरेडी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने इनविटेशन दे चुके हैं, अयोध्या के बाद हमको सबको एक साथ लेके जाएंगे। जय जय श्री राम। आप सभी लोगों के अयोध्या जाने की भी तैयारी है क्या? वो बुलाएंगे तो जाएंगे, तैयारी है, जाएंगे सब। तो आप देख रहे हैं कि उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, महिलाएं झूम रही है, नाच रही है और एक भव्य शोभा यात्रा निकली है और इनका कहना है कि अभी वो सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, कॉलोनी वालों को आमंत्रित कर रहे हैं और अभी भीड़ भाड़ है, जब समय मिलेगा तो ये सब भी इसी तरह अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें उसी के तहत ये लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे को दे इजाजत। नमस्कार।